कभी कभी हम जीवन में हाय हाय इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास हाय हाय कर रहे होते हैं, है ना। एक बोलता है, दूसरा बोलता है, और अब तो यहाँ तक पहुँचे कि एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका भी हाय हाय हो गया। कहाँ तो नमस्ते किया करते थे और अब मिलते हैं तो हाय करते हैं। तो इतनी बार हाय हाय बोलेंगे, शब्द चेंज करने की जरूरत है। लो एनर्जी के शब्द बार 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 उच्चारण करेंगे तो वो एनर्जी हमारी वास्तविकता बन जाती है। अब अगर सिर्फ हाय हाय की बजाय सिर्फ वाह वाह रोज बोलना ही शुरू कर दो, सुबह उठकर सबसे पहले शब्द वाह वाह से शुरू हो, मतलब शुक्राना से शुरू हो, हर चीज का शुक्रिया। सबसे पहले वाह वाह किसकी करनी चाहिए? सबसे पहला संकल्प, क्योंकि जो सुबह का सबसे पहला थॉट होगा वो सारा दिन की एनर्जी पे चलेगा। सुबह सुबह सबसे पहले वाह वाह किसकी करें? कौन याद आए सबसे पहले? किसका वाह वाह करें सबसे पहले, बताइए, कौन याद आएगा सुबह सबसे पहले? तो सबसे पहले वाह परमात्मा का। दूसरा वाह किसका करें? दूसरा वाह किसका करें? दूसरा वाह वाह किसका करें? दूसरा वाह अपने श्रेष्ठ भाग्य का। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, इतनी सुंदर चीज पर अगर छोटी सी एक दो चीजें ठीक ना हो तो बाकी चीजों का वाह वाह करना चाहिए या वो एक दो चीजों को लेके हाय हाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन एक बार हाय हाय किया मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें जो ठीक नहीं थी उसका ही चिंतन करना शुरू किया तो इतनी सारी जो इतनी बढ़िया थी उनका चिंतन करना ही बंद कर दिया। तो फिर उस जीवन में उन लोगों में नुक्से दिखाई देंगे, गलतियां ही दिखाई देंगी, कमजोरियां ही दिखाई देंगी, क्योंकि चिंतन वो वाला करना शुरू किया। ज्ञान और मेडिटेशन क्या सिखाता है? चिंतन की धारा को बदलता है कि चिंतन किस चीज का करना है। सारा दिन में एक दिन चेक करना कि जितने सारे लोगों से हम मिलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, क्या हमारे मन पर कभी कभी उनका कमजोरियों का चिंतन होता है? किस किस को अपने आसपास के लोगों की कमजोरियों का चिंतन होता है? किसी को भी नहीं। किस किस का सारा दिन आसपास के लोगों की विशेषताओं का चिंतन चलता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों में से किसी का भी नहीं चले, क्योंकि लोगों का चिंतन तो बहुत चलता है सारा दिन। एक इक्वेशन याद रखनी है, जिस चीज का हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा, और जो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा धीरे धीरे वो हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ एक दिन का अभ्यास करना, कल ये होमवर्क करते हैं, फर्स्ट होमवर्क, कि कल हमें जो 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 मिलेंगे हमें अंदर कुछ उनके संस्कार ऐसे भी दिखेंगे जो हमें परफेक्ट ना लगे। थैंक यू। देखा कितनी प्यारी दुनिया है, खुद के लिए जो कंफर्टेबल था वो किया। ये जीवन है, कितने प्यार से, कितनी रॉयल्टी से, कितनी डिग्निटी से आए, जो खुद को सही लगा वो किया और चल गए। 10,000 लोग बैठे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जीवन है। अब हम कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन जो कर रहा है उसको उससे ज्यादा सही कुछ नहीं लगता है उस टाइम, और वो हमारे लिए बदलने भी नहीं वाले हैं।
लेकिन हम उनको गलत 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 बोल बोल के अपने जीवन को हाय हाय बना लेते हैं, क्योंकि हमें सारा दिन में कोई ना कोई कुछ करता हुआ दिखाई दे देता है जो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि वो बदल जाए, वो बदलने के लिए रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है, क्यों रेडी नहीं है बदलने के लिए? आपको किस किस को यह अनुभव है कि आपने किसी को राय दी लेकिन वो फिर भी नहीं बदले? शहर का नाम ही रायपुर है, शहर का नाम ही रायपुर है। किस किस को यह अनुभव है कि दूसरों को राय दी लेकिन वो फिर भी नहीं बदले? और दूसरे मतलब अपने, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने आसपास। किस किस को यह अनुभव है दूसरे को राय दी लेकिन वो नहीं बदले हैं? उनको कितना कहा तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उनको उनका अच्छा समझ नहीं आता। और क्योंकि उनको उनका अच्छा समझ नहीं आता, हम परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं। वो मौज में फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, हम हाय हाय करते जाते हैं। वो कितने प्यार से भाई आके फोटो खिंचवा के चला गया, इतनी अच्छी स्माइल की पता ही नहीं चला मुझे कर क्या रहे। ये जीवन है, हर एक अपने अनुसार चलेगा, अपने संस्कार, अपनी पर्सनालिटी, अपने कर्म। हमारे ऊपर चॉइस है कि हम औरों को उनके अनुसार चलते हुए देखकर हमारी सोच कैसे चलने वाली है। अगर हम कहें मेरे घर में फलां भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मेरी जीवन वाहवाह नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे कैसे कैसे लोगों के साथ रहना भी पड़ रहा है और कैसे कैसे लोगों के साथ काम भी करना पड़ रहा है। अगर अपनी सोच नहीं बदली तो दुनिया के परफेक्ट लोगों के साथ रहकर भी हाय हाय करेंगे, और अगर अपनी सोच बदली तो कोई के साथ रहेंगे जिसके अंदर 99 कमजोरियां हैं, सिर्फ एक विशेषता है, लेकिन तो भी खुद की जीवन वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि उसकी विशेषता देखने की आदत पड़ जाएगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन देम, सामने वाले पे डिपेंड नहीं करता। सारा परिवर्तन का खेल जो मैजिक है वो यहां है। जिन लोगों को हम राय देते हैं वो राय क्यों नहीं मानते? वैसे हमारी कभी हमने सोचा क्यों नहीं राय मानते? और हम उनको बोल बोल के थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं कि ये हमारी राय नहीं मानते। और स्पेशली जब वो परिवार हो, बच्चे हो, राय नहीं मानते। क्यों नहीं मानते वो राय? क्योंकि वो जो राय हम उनको देते हैं हम अपने संस्कारों अनुसार देते हैं। सामने वाले ने, जिसने वो राय को धारण करना है, उसने अपने संस्कारों अनुसार करना है। सारा दिन में सिर्फ ये याद रहे कि आत्मा है, जर्नी पर है लंबे। हर जीवन में अनेक संस्कार बने। अभी अभी सुरेश भाई ने अनुभव में कहा, अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आया हूं। हर जीवन में अलग अलग परिवार, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग माहौल, कभी कभी तो अलग अलग देश, कितने अलग 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 संस्कार। अपने घर के लोगों को एक बार उस नजरिए से देखना कि ये मेरा पति, पत्नी, बच्चे नहीं, आत्मा है जो बहुत लंबी जर्नी पर आई है, अनेक संस्कार लेकर आई है। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, परिवार से जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा उनको याद करने के दिन चल रहे हैं। क्या लगता है कहाँ है वो आजकल? वो कहाँ है आजकल जो शरीर छोड़कर गए हैं? कहाँ है वो आजकल? स्टेज पर कोई आया? अच्छा, ज्ञान सुनने तो कबूतर भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? जो आत्माएं हमारे परिवार से शरीर छोड़कर गई वो आज कहां पर हैं? हम उनको याद कर रहे हैं ना, वो कहां पर हैं आज? उन्होंने नया शरीर ले लिया। जो संस्कार वो लेकर गए थे
और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है श्राद्ध के दिन, मतलब सिर्फ ये नहीं याद करना जो गए थे, ये भी याद रखना कि जिस दिन हम जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाने वाले हैं। एक क्षण आएगा, पता नहीं होता कब शरीर छोड़ना है। अगर हमें ये पता चले कि आज रात को शरीर छोड़ना है 12 बजे, एक मिनट आंख बंद करूं, इतनी पावर होनी चाहिए कि एक कबूतर हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। हम शक्तिशाली आत्मा है। एक मिनट अपनी चेकिंग करें, अगर आज 4 घंटे के बाद शरीर छोड़ना हो, टाइम पता चल चुका है, तो मैं आत्मा इस 4 घंटे में क्या क्या करूंगी। 4 आवर्स, 4 घंटे हैं, 4 घंटे में क्या करेंगे। अच्छे से चेक करना, क्योंकि 4 घंटे के बाद जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, हर चीज जो मुझ आत्मा पर रिकॉर्डेड है वो मुझ आत्मा के साथ आगे जाएगी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में। और उस बच्चे को भी देख लें, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लूंगी, 7-8 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होगा किसी घर में, पैदा होते ही पंडित जी जन्म पत्री बनाएंगे, उस दिन उस भाग्य में क्या लिखा होगा, वो बच्चा कौन सा भाग्य लेकर जाएगा, किस आधार पर उस बच्चे का भाग्य लिखा जाएगा उस दिन, और वो बच्चा कैसे संस्कार लेकर पैदा होगा। तो अगर हमें पावर मिले तो हम 4 घंटे के अंदर कौन कौन से संस्कार क्रिएट कर लेंगे। सबने चेकिंग की अपनी, अपनी चेकिंग की। हम जीवन में इन बातों का तो ध्यान रखते हैं कि जब हम जाएंगे तो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। हम इंश्योरेंस भी कर लेते हैं अपने कि जो पीछे है ना उनका ध्यान रखा जाए। हमारे का बड़ा मन होता है सबका, औरों का ध्यान रखने का। हम ये नहीं ध्यान रखते हम साथ में क्या लेके जाने वाले हैं, पीछे क्या छोड़ जा रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब इस बात का भी ध्यान कि साथ में क्या लेके जाएंगे। जब कोई शरीर छोड़ता है और हम जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो इतना वैराग्य आता है उस टाइम पे, तो लोग कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे ही छूट गया। और कुछ घंटों के लिए काफी वैराग्य आता है, क्या जीवन है, कुछ भी तो नहीं है, पर थोड़ी देर ही रहता है वो घर पहुंचने तक, वो डिटैचमेंट आ जाती है वो थोड़ी देर के लिए, वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य, कि क्या लेकर गए साथ में। और फिर दुनिया ने कहा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, सच नहीं है, सच ही नहीं है, ना हम खाली हाथ आए थे ना हमने खाली हाथ जाना है। जो सब कुछ दिखता है वो ना लेकर आए थे ना लेकर जाना है, जो नहीं दिखता है वो लेकर भी आए थे और लेकर भी जाना है। क्या क्या छोड़ देंगे पीछे 12 बजे जब शरीर छूटेगा, क्या क्या छोड़ेंगे पीछे। फर्स्ट, सब कुछ जो कमाया वो छूटेगा, परिवार छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, साथ क्या जाएगा, आत्मा जाएगी, तो आत्मा के साथ क्या जाएगा, संस्कार और सारे कर्म वो रिकॉर्ड होते हैं इस आत्मा पर और वो जाते हैं। और इसीलिए सेम क्षण सेम ग्रह, लेकिन अगर दो बच्चे उसी क्षण उसी ग्रहों के प्रभाव में पैदा होते हैं, फिर भी दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। किस आधार से भाग्य बना, किस आधार से भाग्य बना, एक ही घर में एक ही माता पिता के उसी क्षण दो बच्चे पैदा होते हैं, ग्रह भी वही, समय भी वही,
माता पिता भी वही, फिर भी दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि वो आत्मा जो लेकर आई है वो अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत शांत है, कोई बच्चा बहुत नाराज हो जाता है जल्दी जल्दी, कोई बच्चा रोता बहुत है, कोई बच्चा डरता बहुत है, कोई बच्चा अपनी सब कुछ लोगों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपने खिलौने किसी को भी नहीं देता, वो ऐसे होता है। तो अपने आप को चेक कर लो कि मैं जो बच्चा बनूंगा वो कैसा वाला बच्चा बनूंगा, खुश रहने वाला, सदा हंसता रहने वाला, या छोटी छोटी बातों में रूठने रूसने वाला, दूसरों के साथ चीजें बांटने वाला, या हमेशा अपनी चीजें ऐसे पकड़कर रखने वाला, दूसरों की सफलता में खुश होने वाला, या दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला, मैं कौन सा वाला बच्चा बनूंगा? जो पीछे रह जाएगा उस पर इतनी मेहनत होती है, और जो साथ जाएगा उस पर सारा दिन में थोड़ा सा ध्यान कम है। तो जो श्राद्ध के दिन आते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि उनको याद करो जो चले गए, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि ये याद करो कि आपने भी ऐसे ही जाना है, और रुक कर ठहर जाओ और रुक जाओ और चेक करो कि एक क्षण में गए तो साथ में क्या लेकर गए। हमेशा यहां पर ऐसा रेडी होना चाहिए कि अभी टाइम आया जाने का, सब कुछ रेडी है, सॉर्टेड। जिन लोगों को समय मिल जाता है उनको कहा जाता है सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो, भगवान को याद करो, सब लोगों को शुक्रिया करो। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ये भी देखा है कि जिनको टाइम भी मिल जाता है ना, वो उन्हीं चीजों को याद कर रहे होते हैं जिनको वो सारी जीवन पकड़ के अटैचमेंट में रहते हैं। हमारे सेंटर पर एक बहन आती थी, उसके किसी रिश्तेदार को बहुत ज्यादा बीमारी थी वो माताजी को। डॉक्टर ने कहा अभी इनको जाने का समय आया, तो वो माताजी से पूछा, क्योंकि वो आत्मा शरीर ही नहीं छोड़ पा रही थी बहुत तकलीफ में, तो वो माताजी को पूछा कोई इच्छा है, पेंडिंग है? क्योंकि इच्छा नहीं पूरी होगी तो नहीं छोड़ते। तो वो माताजी ने क्या कहा पता है? कहती एक बार ना वो वाली दुकान का गोलगप्पे खिला दो। ये कहानी नहीं है, मैं रियलिटी बता रही हूं आपको। इतनी क्रेविंग, इतनी वो इच्छा, कहती एक बार वो वाली चीज खानी है। खाली मंत्रित, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किन चीजों में जीवन में अटके हुए हैं, क्योंकि एक क्षण आया तो उन्हीं अटक, उन्हीं रस्सियां, उन्हीं गांठों के साथ चले जाएंगे। जब शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं, पंडित जी एक रस वो डंडी देते हैं, बोलता डंडी तोड़ो, परिवार को बोलते डंडी तोड़ो, मतलब आज से आपका इनके साथ रिश्ता खत्म। लेकिन डंडा परिवार ने नहीं तोड़ना था, डंडी हमें जाने से पहले तोड़नी थी। लेकिन कब जाएंगे वो पता नहीं है, तो कब तोड़ के रखनी पड़ेगी, कब तोड़ के रखनी पड़ेगी, कब तोड़ के रखनी पड़ेगी। डंडी तोड़ना मतलब कोई भी गांठे नहीं होनी चाहिए, सबके बीच रहें, लेकिन कैसे रहें, एकदम लाइट। कुछ लोग तो अपने परिवार को भी बोल देते हैं मेरे जाने के बाद भी उनसे बात मत करना। ये बहुत डीप संस्कार होते हैं, उनको यही टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद इस झगड़े को कंटिन्यू रखें, ऐसा नहीं दोस्ती कर ले उनके साथ। सोचो जो आत्मा ऐसी सोच लेकर जाएगी, क्या वो आत्मा शांत रह पाएगी? कितना अशांति लेकर गए। ये इसलिए है क्योंकि जीवन की प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, छोटी छोटी बातों में नाराजगियां पकड़ के रखी हुई है। तो ये श्राद्ध के दिनों में वो सारी नाराजगियों को क्या करना है, क्या करना है? कोई किसी के पास छोड़ना है जिस चीज को? ये छोड़ना है। जब तक वो सारी चीजों को छोड़ा नहीं तब तक नवरात्रे नहीं आ सकते, मतलब देवी का आह्वान नहीं होएगा जब तक वो बातों को छोड़ा नहीं।
वो होगा नहीं। जहां मैल है, जहां मन और चित्त पे मैल है, वहां दिव्यता नहीं आ सकती है। इसीलिए हर चीज जो संस्कृति में बनी वो एक लर्निंग के लिए थी कि पहले श्राद्ध के दिन, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद नवरात्रे, फिर 9 दिनों के बाद क्या आएगा, दशहरा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 20 दिन बाद दिवाली। हर चीज डीप लर्निंग है, मतलब पहले अपने संस्कारों को क्लीन करें, जीवन ऐसी बनाएं कि जिस क्षण मुझ आत्मा को उड़ना पड़े मैं आत्मा एवर रेडी, कोई गांठे नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं, सबके साथ रिश्ता कैसा, जैसे कहते हैं ना, कभी भी लेन देन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पेंडिंग रह गया तो कैरी फॉरवर्ड। तो लेन देन सिर्फ धन का नहीं, लेन देन यहां भी सब सेटल्ड होना चाहिए। तो वो सेटल किया, फिर ही उसके बाद ही देवी का आह्वान हो सकता है। तो आप रेडी नवरात्रे से पहले करना ना, अभी दिन है थोड़े हमारे पास, थोड़े दिन है हमारे पास, 12 दिन है अभी पूरे। यहां से साफ करने के लिए ना 12 दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना टाइम चाहिए यहां से डिलीट करने के लिए चीज को, पकड़ के रखना हो वो भी चॉइस है। कई बार हम कहते हैं ये बात तो मैंने जीवन भर ही नहीं भूलनी है, तो हम क्या कर देते हैं, अपने आप को आशीर्वाद दे देते हैं कि हमने जीवन भर नहीं भूलनी, और ये पक्का है कि जो बात को जीवन भर नहीं भूला वो आत्मा के साथ आगे जाएगी। और अगर भूलनी है और छोड़नी है उस बात को तो कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, एक थॉट, डिलीट डिलीट खत्म। इस चीज के लिए मेरे चित्त पर जगह नहीं है। मुझ आत्मा को कैसा रहना है, लाइट फ्लाइंग एंजल रेडी टू लिव। 1 मिनट आंख बंद करें और अपने चित्त पर पड़ी हुई कोई बात को चेक करें। आजकल में हुई बात हो सकती है या बहुत साल पुरानी कोई बात हो सकती है। सोचा था कि भूल नहीं पाएंगे, क्षमा करना तो बड़ा ही मुश्किल था, चोट ही बड़ी थी, लेकिन 4 घंटे के बाद जाना है, मैल लेकर नहीं जाना, वो तो पीछे रह जाएंगे, बात भी पीछे रह जाएगी, मैल मेरे साथ चली जाएगी। इतनी बड़ी वो बात तो थी नहीं जिसके लिए मैं अपने अगला जीवन भी बिगाड़ दूं, ऐसी तो वो बात नहीं है। अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए कि आज मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूं कि इस सिर्फ एक बात को सिलेक्ट करना, सिर्फ एक बात, कोई एक चोट, आज से मैं आत्मा इस बात को अपने मन और चित्त से साफ करती हूं, साफ क्लीन। मैंने ही पकड़ा हुआ था और मुझे ही छोड़ना है, पकड़ना भी मेरा चॉइस था, छोड़ना भी मेरी चॉइस है। प्रतिज्ञा की है। ओके, अब हर रोज सुबह सुबह जब अपने लिए थोड़ी देर बैठे और परमात्मा को याद करें, उस क्षण इस प्रतिज्ञा को फिर से दोहराएं
दोहराना पड़ता है प्रतिज्ञा को कि मैं आत्मा ने इस चीज को क्या किया है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये पुरानी बात है, खत्म खत्म खत्म। होता क्या है, हम ही उस बात के लिए क्या कहते हैं, ये भूल नहीं पाऊंगी मैं, इसको मैं माफ नहीं, जो ऐसी हम बात करेंगे वही सत्यता बन जाएगी। चोट उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने तो सिर्फ व्यवहार किया था, उतना ही सिंपल व्यवहार किया था जैसे वो भाई अभी प्यार से फोटो खिंचवाने आए थे। अगर मैं उनका अभी चिंतन करना शुरू करूं, आप सब भी उनका चिंतन करना शुरू करें, तो जब हम 12 बजे छोड़ेंगे शरीर तो हमारे चित्त पर कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? लग रहा, याद आ रहा ना कौन जाएगा 12 बजे साथ में? इसलिए बड़ा क्लियर होना चाहिए कौन कौन यहाँ होना चाहिए और उनकी कौन सी बात होनी चाहिए, कौन सी स्मृति होनी चाहिए, विच मीन्स मुझ आत्मा के कैसे कैसे संस्कार होने चाहिए। परमात्मा को याद शरीर छोड़ने के टाइम नहीं करना होता, जीवन काल में नहीं अगर किया तो जाते समय भी नहीं होगा, और अगर जीवन काल में करते रहे तो जाते समय कोई और याद आएगा नहीं, याद वही आएंगे जिनको सारा दिन याद करते थे। तो आज जिन जिनको आप अपने साथ आगे नहीं लेके जाना चाहते उनको डिलीट कर देना आज सीडी पे से। ये सीडी है जिसपे बहुत सारे गाने रिकॉर्डेड है, जो गाना पसंद नहीं डिलीट करना पड़ेगा। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी वो सीडी यहां से निकलेगी, दूसरे प्लेयर में जाएगी, वही के वही गाने बजेंगे जो साथ में लेके गए, वही के वही गाने बजेंगे। किसी के अंदर अभी झूठ बोलने का संस्कार है, वो बच्चा 2 साल की एज से झूठ बोलना शुरू करेगा, उसके मम्मी पापा बोलेंगे अभी तो स्कूल भी नहीं गया, इसको झूठ बोलना किसने सिखा दिया, सिखाना नहीं पड़ता, सीखे सीखे आए हम वहीं से, बहुत प्रैक्टिस करके आए हुए हम पहले से। छोटे छोटे बच्चे 3 साल के पहली बार स्कूल जाते हैं, किसी की पेंसिल रबड़ी उठा के ले आते हैं, मम्मी पापा को टेंशन होने लग जाती है, ये मेरे बच्चे को ये सब किसने सिखा दिया, सीख कर आए हैं। इसलिए बहुत अटेंशन कि वो ही संस्कार हो जो आज भी सुख देते हैं आगे भी सुख देंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सारा दिन की छोटी छोटी बातों में, इधर का बिजनेस करने में कोई ऐसे कर्म और संस्कार न बना लें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान कर देते हैं। धन कमाएं, बहुत कमाएं, लेकिन याद रखें वो धन परिवार एंजॉय करेगा, संस्कार हमें एंजॉय करने पड़ेंगे आगे। तो गलत कर्म करके धन पीछे अगर उनके लिए छोड़ दिया वो तो एंजॉय करेंगे, नुकसान हमारा होने वाला है आगे। तो बहुत 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 अटेंशन से वो जो आत्मा ने देकर क्या जाना है सबको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझ आत्मा ने साथ लेकर क्या जाना है।